हाय, एक कहानी बता रहा हूँ आज मैं आपको। मेरा एक जानकार था, उसकी आदत क्या थी कि वो दिखावा ज़्यादा करता था किसी भी मामले में, या किसी भी खर्च होने के मामले में वो कभी पीछे दबता नहीं था। अच्छा, वो ज़माने के हिसाब से अपडेटेड रहा करता था। कपड़े उसे ब्रांडेड ही चाहिए थे, मोबाइल फ़ोन उसे अपडेटेड ही चाहिए थे, और बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए थे। शराब उसे रोज़ चाहिए था, ब्रांडेड चाहिए था। सिगरेट उसे भी ब्रांडेड चाहिए था। पान का शौकीन था, लेकिन पान उसे बिल्कुल बढ़िया वाला पान चाहिए था, एक पान 50 रुपये वाला। और पान मसाला रजनीगंधा तुलसी ही खाता था, उसके नीचे कोई बात नहीं बनती थी। अच्छा, मज़े की बात क्या है, जो इस तरह के एटीट्यूड मेंटेन करते हैं ना, उनके साथ 2-4-5 लड़के या कुछ लोग उसके साथ देने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फलाना बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, तभी तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, ब्रांडेड शूज़ पहन रहा है, ब्रांडेड घड़ी पहन रहा है, ब्रांडेड मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेटेस्ट मोबाइल यूज़ कर रहा है, ब्रांडेड ही दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो लोग बाग गच्चा खा जाते हैं, और वो जिस भी आदमी से पैसे मांगेगा ना, कोई मना नहीं करता। हाँ हाँ दे देंगे, हाँ हाँ जी दे देंगे आपको, क्यों, सामने वाले के पास के ऊपर तो सब कुछ ब्रांडेड ही दिखाई दे रहा है, तो बाहर से तो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भीतर बिल्कुल खोखला हो चुका था, बिल्कुल खोखला हो चुका था। उसके ऊपर लोन की लायबिलिटी बढ़ती जा रही थी, और लायबिलिटी क्या था कि सिर्फ दिखावेबाजी में उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती चली गई थी, जबकि अगले की शादी नहीं हुई थी, बाल बच्चे नहीं थे, एक्स्ट्रा खर्च नहीं था, तब यह हाल था। हालात ये पैदा हो गए थे कि अगर आपसे उसने लोन लिए थे, तो आपका लोन चुकाने के लिए वो मेरे से उधार लिया था, और मेरा लोन चुकाने के लिए किसी तीसरे आदमी से उधार लिया था, और किसी तीसरे आदमी का उधार चुकाने के लिए उसने किसी चौथे आदमी से उधार लिया था, और मज़े की बात कि उसे उधार मिल भी जाता था। मैं और आप जाएंगे तो शायद कोई उधार ना दे पाए, लेकिन उसको उधार मिल ही जाता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दे ही देता था। और एक दिन ऐसा आया कि वो मुंह छुपा के चलने लग गया था, घर में हाउस अरेस्ट हो गया था, खुद से अरेस्ट कर लिया था। क्यों, बाहर जाता तो लोग पैसे मांगने लग जाते थे, चार लोगों के बीच में अगर कोई उसे टोक देता ना कि अरे भैया मेरा पैसा कब दोगे, वो बुरा मान जाता था, जलवे बहुत ज़्यादा था, अरे भाई साहब। लेकिन था कुछ भी नहीं, जितनी सोर्स ऑफ इनकम थी उससे ज़्यादा उसके खर्चे थे। जब मार्केट में लगभग सभी लोगों ने उसे टोकना शुरू कर दिया, तब वो धीरे 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 पाँव खींचने लग गया, मार्केट में निकलना बंद कर दिया, किसी से मिलने में वो कतराता था, उसके फ़ोन पे घंटियां बजती रहती थी, उठाता नहीं था, घर के बाहर अगर उसके कोई आ जाए तो मना कर देता था, बोल दो, अपने रूम पार्टनर को बोलता था, बोल दो नहीं है, रात में आया ही नहीं। ये हालत थी। बाद में पता चला कि अगला गायब, मोबाइल बंद, रूम खाली, गायब। ऐसा गरारी में फंसा। आज के डेट में उसके व्हाट्सएप नंबर चालू हैं, फोन किसी का नहीं उठाता, फेसबुक चालू है, इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ चालू है, कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, सब डेड। वे लोग हाय तौबा मचाए जा रहे हैं जिन्होंने उसको 10% 15% के रेट पे मंथली
ब्याज पे पैसे दिए थे। आए दिन उस मकान के बाहर लेनदारों की लाइन लगी रहती है। मकान मालिक ने एक एक्स्ट्रा लठैट बिठा दिया, यार मुझे नहीं पता। बैंक वालों के लोन अलग हैं उसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड वाले अलग दौड़ते हैं, पर्सनल लोन वाले अलग अलग आते हैं पैसे के लिए, लेकिन है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को हमेशा अपनी अनिवार्य चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और ज़रूरत को सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। दिखावा में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। दिखावा तत्कालिक हो सकता है लेकिन लंबा नहीं चलेगा। लॉन्ग टाइम के लिए सो बाजी या सो बाजी नहीं चल सकता। और एक चीज़ और है कि जो जिस तेज़ी से ऊपर उठता है, जिस तेज़ी से ऊपर जाता है उसी तेज़ी से नीचे आता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन के लिए ना बेबी स्टेप बहुत ज़्यादा कामयाब स्टेप है, बहुत ज़्यादा कामयाब स्टेप है। एक बार में शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने कमाए हुए पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ब्रांडेड कपड़े पहनने के बजाय और ब्रांडेड सामान या कोई भी यूटिलिटी यूज़ करने के बजाय हम डुप्लीकेट ना करके मतलब ठीक ठाक यूज़ कर सकते हैं। नॉन ब्रांडेड कपड़े भी अच्छे हैं, होते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है। नॉन ब्रांडेड जूते भी ठीक ठाक चलते हैं। आप उतना पैसा खर्च कर सकते हैं जितना ज़रूरत है। दिखावा कीजिएगा तो फिर सर पे कर्ज बढ़ेगा ही। और एक चीज़ और हमें किसी ने कहा था, किसी का मेहनत का पैसा अगर आप मार जाइएगा या खा जाइएगा वो लगेगा नहीं। अगर किसी ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसा दिया है कि मेरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा, को बुरे वक्त में अगर पैसे की मदद किए हैं और आप अगर उसका पैसा मार जाइएगा तो ये लगेगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि दिखावा करने के बजाय उतने में ही काम चला लिया जाए जितना हमारा काम चलता है। और जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आता है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। मेरे राय में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मनीफाई ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम मनी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट के लिए एक दो शेयर भी खरीद सकते हैं आप। और यदि हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि आप कभी भी 10% सैकड़ा मंथली के हिसाब से लोन मत लीजिएगा, बहुत महंगा पड़ता है। 10 रुपये मंथली को अगर हम साल में 12 से गुना करें ना तो 120% होता है। 120% बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोशिश कीजिएगा कि गांव के या शहर के महाजन या साहूकार से लोन लेने के बजाय आप बैंक से लेन देन ठीक रखिए। बैंक से लेन देन ठीक रखिएगा तो वो आपको लॉन्ग रन में काम देगा। कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो सस्ते ब्याज दर पे बैंक आपको लोन दे सकती है। इसलिए बाज़ार के लोन से हमेशा दूर रहिए, साहूकार के लोन से हमेशा दूर रहिए। आप बैंक से लेन देन ठीक रखिए। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पर्सनल लोन मिल रहा होगा, पर्सनल लोन का लेन देन कीजिए, टाइम से पेमेंट कीजिए और टाइम से किस्तें भरिए, तो
तो आपको फिर दोबारा पर्सनल लोन का ऑफर आ जाएगा बैंक की तरफ से। तो इस तरह से बैंक से लेन देन ठीक रखिएगा तो आगे बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मनीफाई ऐप का भी अफिलिएट लिंक डाल दिया है और पेटीएम मनी का भी अफिलिएट लिंक डाल दिया है। पेटीएम मनी एक्चुअल में ये डीमैट अकाउंट है, इसके थ्रू आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं और आईपीओ खरीद सकते हैं। तो पेटीएम मनी डीमैट अकाउंट का भी लिंक डाल दिया है और इंडिया मनी लेंड्स का भी अफिलिएट लिंक डाल दिया है। यदि आपको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की आवश्यकता है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा, आपको लोन मिल जाएगा। अगर सैलरीड हैं तो आपको उसी हिसाब से लोन मिलेगा, बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस लोन मिलेगा। उनके पास इंडिया मनी लेंड्स वालों के पास विकल्प बहुत ज़्यादा है, उनके पास मल्टीपल लेंडर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोन दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई बात हो तो कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई लाइक करता है और कोई कुछ कमेंट डालता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।